हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अनीस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अनीस फ्लॉग में। दोस्तों आज हमने लिया है सोमी का जो रेडमी नोट 4 है 64GB और 4GB वेरिएंट। तो काफ़ी ये ऐसे मॉडल तो ये पुराना हो चुका है, फिर भी हम सोचे कि एक बार इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है और कोई डैमेज या कुछ भी, तो सोचा कि एक बार अपने तरीके से दिखा देता हूँ। वैसे मार्केट में तो इसके बहुत सारे रिव्यू मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक मेरा जो तरीका होता है, हर किसी का बताने का कुछ अलग ही अंदाज होता है। तो शायद मेरा अंदाज भले ही किसी को अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन मुझे तो मेरा अंदाज बिल्कुल पसंद है। तो मैं अपने अंदाज में इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो देखते हैं सबसे पहले। और यहाँ मैंने देखिए पूरा सील पैक है, तो इसको यहाँ से मैंने इसका सील खोला और ये रहा मोबाइल मेरा। यहाँ से एक यहाँ पे आपको सील मिल जाता है, तो ये रहा मेरा अनबॉक्सिंग चाकू और इससे इसको काटेंगे हल्का सा। तो यहाँ मेरा रेडमी का जो सोमी नोट 4 है खुल गया है और इसको इस साइड भी है, दोनों साइड काटना पड़ेगा। एक बात बताएं दोस्तों, जो सोमी है या देखिए मेड इन इंडिया का मॉडल आपको मिलता है नोट 4, इसमें 4000 mAh का बैटरी है। यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर से आपको एक बार बता देते हैं। और क्वाड कोलम का स्नैपड्रैगन 625 ओक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और 5.5 inch का FHD डिस्प्ले दिया गया है। 13 MP का रियर कैमरा दिया है और 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया है उस ब्यूटी 5 मोड में। फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ इसका बॉडी की बात करें तो मेटल बॉडी मिलता है आपको, इसमें कस्टमाइज MIUI का सिस्टम जो है एंड्रॉयड बेस्ड OS मिलता है, जिसका हाल फिलहाल में ही कल या परसों में एक अपडेट आया हुआ है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल का जाकर अपडेट कर सकते हैं। तो देखते हैं मोबाइल, मैंने जो लिया है मोबाइल गोल्ड में लिया है। तो ये रहा फाइनली मेरा मोबाइल, तो ये रहा मेरा मोबाइल और इसको करते हैं साइड में। और यहाँ तो आप सब जानते ही हैं, और एक इसके साथ डाटा केबल जैसे कि सब मोबाइल में देता है, और एक अडेप्टर, और इसके साथ साथ ही सिम टूल के लिए दिया है। तो अब हम सबसे पहले अपने मोबाइल को खोलते हैं, इसको बंद करके यहीं रखेंगे और इसको खोलेंगे। तो ये रहा मेरा मोबाइल, यहाँ थोड़ा सा खुलने में टाइम लगेगा, तब तक आपको दिखाते हैं इसका डिज़ाइन। और दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, मेरा वीडियो का जो क्वालिटी है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है, वो हम जानते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई फ़ोन अच्छा सा अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ मेरे पास कोई लाइट भी नहीं है स्पेशल वीडियो के लिए, तो मैं फ्लैश लाइट से ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ देखते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। सबसे पहले यहाँ देखिए कैमरे की बात करें तो यहाँ आपको कैमरा मिल जाता है जो कि 13 MP का है, उसके साथ में ही आपको एक फ्लैश लाइट मिल जाता है और उसके थोड़ा सा नीचे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। बात करें इस साइड पैनल की, तो साइड पैनल में आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन मिलता है, साथ साथ आपको एक पावर बटन मिल जाता है। और इसके डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा घुमाया गया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऊपर की बात करें तो यहाँ एक आपको 3.5 mm का जैक मिलता है और यहाँ एक सेंसर मिल जाता है। साथ साथ आपको बात करें इस साइड की, तो आपको यहाँ हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, जिसमें कि आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप दो सिम यूज करेंगे तो मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों बात करें इसके स्टोरेज की, तो इसमें 64GB का स्टोरेज है, जिसमें कि 59 या 60GB हमको यूज़ के लिए मिल जाता है, तो मेमोरी कार्ड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर फिर भी आप लगाना चाहते हैं तो आपको मार्केट में एक अलग से हाइब्रिड सिम स्लॉटर मिल जाता है, जिससे कि आप दो सिम साथ साथ एक मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हैं। बात कर ले इसके नीचे की, तो यहाँ देखिए एक आपको स्पीकर मिलता है, जबकि दूसरे पोर्ट में आपको वॉइस के लिए माइक मिलता है, इधर माइक और इधर USB 3.0 का सी USB पोर्ट मिलता है, जिससे कि आप चार्ज कर सकते हैं, डाटा केबल से कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, साथ साथ इसे USB टेदरिंग करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में नेट चला सकते हैं। और फाइनली यहाँ मेरा मोबाइल खुल गया है, तो सबसे पहले यहाँ हमको करना होगा कुछ सेटिंग्स, तो फटाफट से हम कर लेते हैं उस सेटिंग्स को। और यहाँ हमसे पूछ रहा है चूज योर रीजन, तो यहाँ देखिए फाइनली जो मेरा मोबाइल है ऑन हो गया है, और यहाँ इसमें कुछ ना ही सिम लगाया मैंने और ना ही कुछ किया है। तो फाइनली अब इसका रिव्यू कैसे दे पाएंगे, कैसा यूज हो रहा है कैसा नहीं, इसको सबसे पहले हम एक दो दिन यूज कर लेते हैं, इसके बाद जो ओपिनियन है आपको मिल जाएगा। हालांकि एक बात तो है दोस्तों, जो आपको 13000 के बजट में अगर आपको 64GB का रैम मिलता है और साथ साथ में 13 MP का कैमरा मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब हो सकता है। और इसके चलिए एक फ्रंट कैमरे का आपको एक फ़ोटो दिखा देते हैं, बैक कैमरे का।
और ये देखिए अभी अभी मैंने बैक कैमरे से एक फ़ोटो लिया है जो कि काफ़ी जो जिस बैकग्राउंड पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वहीं का एक फ़ोटो लिया हूँ, तो फ़ोटो भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको पॉकेट फ्रेंडली भी मोबाइल मिलता है और यूज करने भी में भी आसानी है। ज़्यादा बड़ा भी मोबाइल नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो भी इस मोबाइल को ले सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इसमें 4100 mAh का जो बैटरी दिया गया है वो काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अगर आप लेना चाहते हैं इस फ़ोन को तो ले सकते हैं, वरना सोमी के एक और फ़ोन है सोमी 4, तो आप उसको भी ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्क्रीन में कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो इससे उसका थोड़ा सा स्क्रीन छोटा होगा, बाकी सब कुछ आपको सेम मिल जाता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी आप कर सकते हैं, और साथ में आप चाहते हैं हमको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना सपोर्ट देना चाहते हैं, तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप एक काम और कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में और बताएंगे आपको इसका रिव्यू और ओपिनियन कैसा है, आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।